और करने वालों के खिलाफ एक सिर्फ नमूना है। अगर मौजूदा हुकूमत ने सिंध ने इसके ऊपर काबू नहीं पाया और जिन्होंने गुस्तागी की है इनको नहीं पहुंचाया तो ये एक सिर्फ नमूना है। इससे पहले भी एक नमूना भेज चुके हैं। कराची की आवाम ने साबित किया था कि गुस्तागा का काबा और एले बेग इस मुल्क में इस शहर में मंजूर नहीं है। उसका नतीजा आप लोगों ने दे दिया था। मैं इस वक्त हुकूमत वक्त और एजेंसी को तमाम को बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने होश को नाखून ले लें और जिन जिन लोगों ने जो मलीर में गुस्तागी की है इसके बाद भी कुछ गुस्तागी हुई है वो लगातार हो रही है। इसके अलावा अहले तशीअ हज़रात कुछ हमारे मज़ारात के ऊपर काबू करना चाह रहे हैं वो कुछ बात को देख रहे और समझ रहे कि अहले सुन्नत वाले लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है। तो लिहाजा अपना कबला दुरुस्त कर लो। अगर कबला दुरुस्त नहीं किया तो हमें दुरुस्त करवाना भी आता है। आप लोग क्या बोलते हैं इससे? क्या अहले सुन्नत के लोग कमजोर है? क्या अपने बर्बाद के लिए खड़े नहीं हो सकते? अपना हाथ उठाकर जवाब दें। बताएं लोगों को, बताएं लोगों को, एजेंसियों को बताएं, मीडिया को बताएं कि हम कमजोर नहीं है। हम अपना हाथ अगर हमें इससे नहीं दिया जाएगा तो हम हारना चाहते हैं। देने भी नहीं चुके हैं, अब भी देने की टाइम दिया और आना भी देंगे। हमारे अकाबरी ने इस मुल्क को बनाया था। अहले सुन्नत हमारे अकाबरी की कुर्बान बख्शे है। हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां दी है उसको रायदा नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ साथ आज आपको और के नाम पे इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बातें की जाती है। दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है। क्या हुकूमत सो रही है? क्यों हुकूमत उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती? अब ये एक्शन समय भी इंशाल्लाह ताला अहले सुन्नत में हर मसले में मफाद में खड़ी रहेगी। जहां और आपको सामने नजर आएगी। लिहाजा अहले तशरीह और जितने जो हजारों लोग हैं जो गुस्तागी और औरत के नाम पे इस्लाम और अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो सुन ले समझ।